हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। और आज हम वीकली करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं, जो हमारी एवरी संडे को आती है, हर संडे को आती है, उसकी हम वीकली करंट अफेयर्स की बात करने वाले हैं। आज की हमारी 22वीं सीरीज है और आज ये आपकी यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए परफेक्ट होने वाली है। समग्र विश्लेषण के साथ बात करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे करंट अफेयर्स की व्याख्या की भी बात करेंगे, यहाँ रखिएगा, एक्सप्लेन की बात करेंगे, जो एग्जाम के महत्वपूर्ण पॉइंट ऑफ व्यू से रखी गई है। आज की जो हमारे वीकली करंट अफेयर्स है, 29 अक्टूबर से लेके 5 नवंबर के बीच की हम यहाँ पे बात करेंगे। टोटल हमारी 6 करंट अफेयर्स होंगी, प्रत्येक दिन की एक करंट अफेयर्स रहती है, मोस्ट इंपोर्टेंट जो भी खबर रहती है, पीटी माइंड के लिए लिहाज से बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, यूपीएससी के पीटी के लिए, साथ में दुनिया के हफ्ते की सीरीज आप देख रहे हैं। आज के सप्ताह के पहले करंट अफेयर्स से चलने से पहले, अगर आप लोग अभी तक चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आ लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। अपने फ्रेंडों को शेयर कीजिएगा, शेयर करने से मोटिवेशन मिलेगा हमें भी और आपको भी अच्छा लगेगा। आज की हमारी पहली वीडियो है स्पंजबम। नाम से कुछ और लग रहा होगा, इसका काम कुछ और है। स्पंजबम आज की हमारी सप्ताह की पहली वीडियो है, पहली करंट अफेयर्स है इस वीडियो की। स्पंजबम क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो केमिकल आधारित एक बम है जिसमें झाग निकलता है, याद रखिएगा। तो एग्जाम में मतलब पेपर में बन सकता है कि स्पंजबम किस किस पर आधारित है, तो यह केमिकल आधारित है। बम फटने के बाद झाग को सेकंड में पत्थर की तरह कठोर हो जाता है, ये भी याद रखिएगा। बम फटेगा, झाग बनेगा, कुछ सेकंड में ही पत्थर की तरह ये कठोर हो जाएगा, जिस तरह से पत्थर होता है। इजराइल ने इस बम से हमास की सुरंगों को बंद करेगा, याद रखिएगा। इजराइल क्या करेगा, इस बम का उपयोग करेगा, और जो हमास की सुरंग है, आपको पता होगा इजराइल हमास के बीच युद्ध हुआ था, तो उसी के चक्कर में इजराइल ने इस बम का निर्माण किया है, और हमास पर ये जो सुरंग है, वो सुरंगों को बंद करने के लिए इसका प्रयोग करेगा। इसके केमिकल सुरक्षात्मक प्लास्टिक में अवरोधक से अलग होते हैं, जिसके हटते ही विस्फोट हो जाता है, याद रखिएगा। जो क्या होता है, केमिकल रिएक्शन करते हैं और प्लास्टिक में अवरोधक उत्पन्न करते हैं, जैसे ही वो इसमें केमिकल को रिएक्शन करेंगे, उसके साथ ही ये फट जाएगी, और फटने के साथ कुछ सेकंड में झाग निकलेगा और वह कठोर पत्थर की तरह वहां पे बन जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको समझिएगा, स्पंज बम ऐसे हल्के में मत लो, एग्जाम में इसको पूछ जा सकता है। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी, आप लोगों ने लाइक किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर्स है राष्ट्रीय एकता दिवस। इस सप्ताह की दूसरी है, राष्ट्रीय एकता दिवस क्या है, इसके बारे में जानते हैं। प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो 31 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर को, याद रखिएगा, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस कब है, 31 अक्टूबर को है, और इन्हीं के अवसर पर, इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2014 में भारत सरकार ने इस दिवस की शुरुआत की है, तो कब से शुरुआत की गई है, क्वेश्चन आ सकता है। तो 2014 में जिस समय प्रधानमंत्री मोदी जी पहली बार शपथ ग्रहण किया था, तो उसी समय से ही भारत सरकार ने इस राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाना स्टार्ट किया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर। इस उत्सव में क्या है, रन फॉर यूनिटी जैसे बड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। हमारे देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए राष्ट्र की अंतर्निहित ताकत की पुष्टि करता है, याद रखिएगा, किस चीज की, एकता के लिए, अखंडता के लिए और सुरक्षा के लिए। तो इस एकता दिवस में एकता, अखंड सुरक्षा पर राष्ट्र के लिए एक ताकत की पुष्टि करता है, इस तरीके को दिखाया गया है, बताया जाता है। रात में सरदार वल्लभ पटेल की 31 अक्टूबर को जन्म दिवस है, उनके अवसर पर ही इसको मनाया जाता है। 2014 से इसको मनाना स्टार्ट हुआ है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के हमारे कन्फेयर्स का, इस सप्ताह की तीसरा, ब्रिटिश अकादमी बुक प्राइज। ब्रिटिश अकादमी बुक प्राइज क्यों चर्चा बना हुआ है, इसकी बात करते हैं। तो भारतीय मूल की एक नंदना दास जी हैं, उनको वर्ष 2023 के विजेता घोषित किया गया है। इन्होंने किया है, इनकी यह पुरस्कार उनकी कोडिंग इंडिया के पुस्तक के लिए दिया गया है, याद रखिए, कौन सी पुस्तक है, कोडिंग इंडिया। अब क्या है इस पुस्तक में, इस तरीके से क्या बातें कही गई जो इतना इंपोर्टेंट हो गई है, इसको भी समझेंगे। इस पुरस्कार की स्थापना वर्ष 2013 में की गई थी, मतलब कि 10 साल हो गए हैं इस पुरस्कार को, तो इसीलिए इंपोर्टेंट है, क्योंकि 10 दिवसीय इसको रखना अपने आप में इंपोर्टेंट है। और हो सकता है किसको दिया गया, तो नंदनी दास को दिया गया था, भारतीय मूल की है, और इन्होंने जो उनकी पुरस्कार पुस्तक है वो कोडिंग इंडिया है। यह एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय गैर गल्प पुरस्कार है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है कैसा पुरस्कार है, गैर गल्प पुरस्कार है। इसमें वर्ष 2000 इसमें 25,000 पाउंड की प्रोत्साहन राशि दी जाती है, यार कितना, 25,000 पाउंड की जो राशि है दी जाती है। पाउंड मतलब ब्रिटिश में चलता है, वही पाउंड को आप कन्वर्ट कर सकते हैं रुपयों में। इसके पूर्व में नाइफ अल रोडेन पुरस्कार के नाम से इसको जाना जाता था। ब्रिटिश अकादमी बुक प्राइज पुरस्कार को इसके पहले किस नाम से जाना था, तो नाइफ अल रोडेन पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। तो ये जो नाम है या टर्म्स है, कह सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट हमारा इस सप्ताह का है MiG-21। MiG-21 इस सप्ताह की हमारी चौथी कक्षा है। क्या है MiG-21 के बारे में जानेंगे। MiG-21 वाइसन फाइटर जेट के नंबर का फोर्थ स्क्वाड्रन को रिटायर कर दिया गया है। याद रखिएगा, वाइसन फाइटर जेट के 4 नंबर का स्क्वाड्रन को रिटायर कर दिया गया है। इसने राजस्थान के उत्तरलाई एयरबेस से आखिरी उड़ान भरी हुई है। इसके बाद इसके बदले उत्तरलाई एयरबेस पर 230 MKI स्क्वाड्रन की तैनाती होगी। याद रखिएगा, तो इसका स्थान कौन ले लेगा। SU-30 MKI स्क्वाड्रन इसका तैनाती कर ली जाएगी, इसका स्थान ले लेगा और इसको MiG-21 को यहाँ पे रिटायर कर दिया गया। कहां से किया गया, राजस्थान के उत्तरलाई बेस से किया गया। इसके बारे में और जो खबर है वो ये है कि 1963 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था इसको। कब किया गया था, 1963 में इसको शामिल किया गया था। भारतीय वायुसेना का पहला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान भी था यह। याद रखिएगा, भारतीय वायुसेना का यह पहला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान था। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि पूछा जा सकता है कि पहला भारतीय वायुसेना का सुपरसोनिक लड़ाकू विमान कौन सा था जिसको हाल ही में रिटायर कर दिया गया है। तो MiG-21 को रिटायर कर दिया गया है। पूछा जा सकता है कि MiG-21 की रिप्लेसमेंट किसके साथ किया गया, तो SU-30 MKI के साथ इसको स्थानांतरित किया गया। तो ये जो इंपोर्टेंट है इसीलिए मैंने आपको बताया। तो आप लोगों को पता होगा कि हमारी डेली करंट अफेयर्स भी चलती है, उसको आप लोग देखिएगा। डेली डेली आती है सुबह 7 बजे। वीकली तो आप देख ही रहे हो, साथ में मंथली भी करंट अफेयर्स हमारी आती है। एक बेस्ट चीज ये है कि हमारी NCERT भी सीरीज चल रही है। NCERT की सीरीज आप लोग देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप वहां पे NCERT की क्लास 6 से लेकर 12 तक की हमारी पूरी वीडियोस बन रही है। एक तो सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि क्लास वाइज चल रही है, क्लास वाइज के अलावा सब्जेक्ट वाइज के अलावा भी इसमें चल रही है हमारा टॉपिक वाइज, मतलब कि चैप्टर वाइज चल रही है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है NCERT की वीडियो आप लोगों को देखने के लिए। साथ ही आप लोग पता होगा कि हम करंट अफेयर्स के किसी टॉपिक पर भी हम वीडियो बनाते हैं, उस टॉपिक पर वीडियो क्या रहता है, जो भी चर्चा में खबर रही है उस पर हम वीडियो स्पेसिफिक बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आज की हमारी सप्ताह कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं। V-6113 क्या है, जिसकी बात की जा रही है कि V-6113 क्या है। अमेरिका ने नए परमाणु बम V-6113 की घोषणा की हुई है। किसका है, तो अमेरिका का है। अब ऐसा लग रहा था जैसे कोई दवा का वेरिएंट है या वायरस का वेरिएंट है, लेकिन ये क्या है, परमाणु बम है जिसकी अमेरिका ने घोषणा की है। V-61 न्यूक्लियर ग्रेविटी बम का आधुनिक संस्करण है। याद रखिएगा, तो क्वेश्चन आ सकता है कौन सी बम का आधुनिक संस्करण है, न्यूक्लियर ग्रेविटी बम का ये आधुनिक संस्करण है। इसका निर्माण नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा किया गया है। इसका वजन की बात किया 360 किलोटन है। कितना है, 360 किलोटन। याद रखिएगा, तो इम्पोर्टेंट है ये कि V-6130 क्या है, आप लोग उसको याद रखिएगा। एक परमाणु बम है, वरना दबाव आप टिक लगा के आ जाए। यह परमाणु बम V-61-7 का स्थान लेगा, तो इसको याद रखिएगा कि किसका स्थान ले रहा है, V-61-7 का स्थान ले रहा है। और अगर कभी भी एग्जाम में आए कि V-61-7 का स्थान किसने लिया है, तो V-61-13 ने लिया हुआ है। ठीक, क्या है, एक परमाणु बम है। यह जापान के हिरोशिमा पर गिराए गए बम से 24 गुना और नागासाकी पर गिराए गए बम से 14 गुना अधिक शक्तिशाली है। ये इंपोर्टेंट बात थी कि V-61 जो गिराया गया था उससे भी सोचो आप कितना शक्तिशाली है, 24 गुना और 14 गुना, मतलब कि अलग अलग गुनाओं में क्यों दर्शाया गया, क्योंकि जो हिरोशिमा पर गिराया गया था बम उसपे 24 गुना है खतरनाक, और अगर जो नागासाकी पर गिराया था क्या उससे 14 गुना शक्तिशाली है, मतलब खतरनाक है। तो आप सोचिएगा V-61-13 कितना इंपोर्टेंट है और खर्चा बना हुआ है अभी खबरों में हाल ही में, तो कहीं ना कहीं इसके बारे में पूछ लिया जा सकता है। तो इस चीज को ही पूछा जा सकता है जो मोस्ट इंपोर्टेंट रहती है। नेक्स्ट हमारी करंट अफेयर्स है सैन्य अभ्यास काजिंद। सैन्य अभ्यास काजिंद किसके बीच हुआ था, कहां हुआ था, इसके बारे में जानते हैं। अभी तक आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आ रही हो लाइक कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही हमारी MPPSC करंट अफेयर्स भी चल रही है। याद रखिएगा, MPPCS के लिए हम करंट अफेयर्स चला रहे हैं जो एग्जाम के पर्पज से इंपोर्टेंट है, क्योंकि आपका एग्जाम 17 दिसंबर को है, तो 17 दिसंबर के लिए हमारी MPPSC करंट अफेयर्स चल रही है। आप जाके वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। सैन्य अभ्यास काजिंद की बात करें क्या है, तो भारत और कजाकिस्तान का संयुक्त सैन्य अभ्यास। याद रखिएगा, तो भारत और कजाकिस्तान का ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है। काजिंद 2023 का 7वां संस्करण का आयोजन कजाकिस्तान में ही किया गया है, ये भी याद रखिएगा। इसका अभ्यास 30 अक्टूबर से लेकर 11 नवंबर तक कजाकिस्तान के उटारा में चलेगा। कहां पे चलेगा, कजाकिस्तान के उटारा में। तो ये तो नहीं आया कहां पे चलेगा, लेकिन
आप इतना याद रखिएगा, काजिंद किसके बीच चलता है, तो भारत और कजाकिस्तान के बीच चलता है, सातवां संस्करण 2023 का, और कजाकिस्तान में इसको अभ्यास किया जा रहा है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, सन 2016 से इसकी शुरुआत हुई थी, ये भी याद रखिएगा। इसकी शुरुआत की बात करें अगर हम, इसकी शुरुआत सन 2016 से की गई थी, ठीक है। 16 में प्रबल दोस्त की 16 नाम से हुई थी, क्या हुई थी, प्रबल दोस्त की 16 नाम से इसकी शुरुआत की गई थी। 2018 में इसका नाम, मतलब कि 2 साल बाद इसका नाम बदलकर काजिंद कर दिया गया था। तो इसका पहले नाम क्या था, प्रबल दोस्त की 16 नाम था, और 2018 में 2 साल बाद इसका नाम काजिंद कर दिया गया था। और काजिंद वैसे भी नाम से याद रहता है कि भारत और कजाकिस्तान के बीच इसकी शुरुआत की गई है। तो आज के हमारे चैनल पे जो भी वीडियो थी आप उन्होंने देखी है, पसंद आएगी। एक नई वीडियो में फिर से मुलाकात करते हैं अगले सप्ताह, बाकी की आप वीडियो देख सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स आती है, डेली टॉपिक पे वीडियो आती है, एनसीईआरटी आती है, एमपीपीएससी करंट अफेयर्स आ रही है, आप उसको भी देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात करते हैं। धन्यवाद।